हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशम और मेरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और झटपट संदेश की रेसिपी। ये देखने में जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप घर का छेना है। इसे हम एक पैन में डाल देते हैं। आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो उसमें भी आप बना सकते हो। अब हम इसे क्या करेंगे, लो फ्लेम पे धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से हिलाते रहेंगे और इसमें जितना भी मॉइस्चर है उसे अच्छे से हम पहले सूखने देते हैं। लगभग 5 मिनट लग जाएगा इसका मॉइस्चर सूखते सूखते। ये डिपेंड करता है आपके छेने पे कितना पानी रिमेन रहा है। तो देखिए, जितना मैं हिला रही हूँ ये थोड़ा इसका पानी रिलीज़ कर रहा है। अब हम इस पानी को भी अच्छे से हम पहले सूखने देते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से स्टर कर रही हूँ। जब इसमें पानी थोड़ा सूख जाएगा तब हम इसमें पिंच ऑफ इलायची या आप कोई भी फ्लेवर का एसेंस दे सकते हो जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें डाल देते हैं लगभग 1.5 टीस्पून चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी और ऐड कर दें। चीनी डाल के इसे सिर्फ हम 1 से 2 मिनट चलाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा करके हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने एक मिक्सी के जार में डाल लिया है, पूरा ठंडा करना है हमें। अब हम इसे ढक्कन लगा के बारीक पीस लेते हैं। तो आप देख पाएंगे इतना स्मूथ पेस्ट मैंने इसका तैयार किया है, ये देखिए। अब हम इसे किसी भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हो। अब मिल्क पाउडर डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आएंगी और इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना भी हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बट आप मिल्क पाउडर डालोगे तो बाइंड करने में बहुत ईजी रहेगा, एक अच्छा डो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट को हम थोड़ा कम लेंगे, 1/3 पार्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और जो कम वाला पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर, आपको जो कलर पसंद हो वो ऐड करें। यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ। अब ये फूड कलर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो छेना है सब ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप अपने हिसाब से कलर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने छेने को अच्छे से कलर में मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने हाथों को अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास 2 कलर का छेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो वाइट वाला पार्ट है उसे हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर रही हूँ। इक्वल पार्ट लेना है। आप चाहे तो एक ही बार में एक बड़ा डो बना के भी कर सकते हो, बट मैं इसे 4 हिस्सों में कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसके भी हम 4 पार्ट कर लेते हैं। मेक श्योर कि ये छोटा वाला ये पार्ट जो है वो छोटा रहना चाहिए वाइट वाले पार्ट से। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाइट वाला पार्ट है उसके अंदर थोड़ा सा होल कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें ये ऑरेंज वाला पार्ट लगा देंगे। और जिस तरीके से हम कचौरी को फिलअप करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें इसे पैक करना है। धीरे धीरे साइड वाले पोर्शन को इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको अच्छे से रोल शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसे रोल शेप दे रही हूँ। एकदम स्मूथ चिकना रहना चाहिए बाहर से, और ऑरेंज पार्ट हमें अच्छे से कवर कर देना है उसके अंदर। और हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ मैं इसे। तो इसी तरीके से मैं सारे छेने को रेडी कर लेती हूँ।
मेक श्योर कि बाहर ऑरेंज कलर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये जो कटिंग करते टाइम इतना अच्छा शेप नहीं आएगा, कलर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे छेने को इसी तरीके से डाल के रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे चारों पीस रेडी हैं। अब आप चाहें तो इसे फ्रिज में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, आप ऐसी कोई ठंडी जगह पे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत ही कट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप फ्रिज में सेट करते हो तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो और कट करने में इसे ईजी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे दो दो हिस्सों में पहले कट कर दिया है। अब उस दो हिस्सों को भी फिर से मैं दो हिस्सों में कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, सारे संदेश को मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके का शेप उसे देना चाहते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है हमारा ये जो संदेश है। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही झटपट बनता है और एकदम हलवाई स्टाइल है। आप खा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टा पे भी मेरा पेज है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।